पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर होली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मौल्यार ग्रुप ने 4 चांद लगाए। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही मौल्यार ग्रुप के ढोल दमाव के थाप पर लोग खूब झूमे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी खुशी और सौहार्द के साथ होली का त्यौहार मनाएं और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। पहले तो मैं सबको बहुत बधाई दूंगा कि हम होली के त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ, सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाएं, बीती बातों को भूल करके, और जो भी हमारी कोई कमियाँ हैं, कोई गलतियाँ होती हैं, तो हम उसको होलिका के साथ ही उसको दहन कर दें। दूसरी बात, मैं एक संदेश सभी आपके श्रोताओं को देना चाहता हूं और सभी से एक अनुरोध करता हूं कि होली पर हम पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। जिस तरह की समस्या आज उत्पन्न हो रही है, उससे हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक बूंद पानी, ये कहें कि जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता है, ये पानी के जो कहना चाहिए कि जो मूल्यांकन हम इस दृष्टि करते हैं, इस बार पूरी सर्दी में जो पहाड़ियां बर्फ़ से लगदग रहती थी, उन पे इस बार बर्फ़ गिरा तो बहुत कम बर्फबारी हुई है। जो पहाड़ियाँ आज तक बर्फ़ से ढकी रहती थी, इस बार वहाँ बिल्कुल खाली पड़े हैं पहाड़। और अभी जो जल संस्थान है हमारा, उसने आंकड़े भी प्रस्तुत किए कि हमारे हजारों स्रोत पानी के अभी सूख गए हैं, जो एक बड़ी चिंता का सबब है। और आम आदमी, एक एक आदमी अगर इसकी चिंता करे, तो हम कुछ हद तक उस समस्या से जूझने में कामयाब होंगे। इसलिए पानी का हम कम से कम इस्तेमाल करें, ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें कि पानी की बहुत आवश्यकता न हो, और ये पानी हमारा किसानों के लिए बचे, खेती के लिए बचे, इसकी जरूर चिंता करें। जहां एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर स्थानीय लोगों के साथ होली मनाई और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के थाप पर सभी ने होली की ईद गाए, तो ही कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियाल गामा भी पहुंचे। मेयर ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और शहरवासियों से अनुरोध किया कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही होली का त्यौहार मनाएं, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। का त्यौहार है और इस बार की होली, मैं सभी अपने देहरादून वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि होली जो है हम धूमधाम के साथ मनाएं, आपस के जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करें, और जो होलिका दहन है, जो इतने भी हमारे जो है आपस के मतभेद हैं, उस होली में जो है उनको सुहा करें। और सभी शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखें कि हमें पर्यावरण को किसी किस्म का नुकसान ना हो। पर्यावरण के साथ साथ इस बारी हम होली में पानी का प्रयोग जितना कम से कम हो सकता है उतना करें, क्योंकि इस बारी बारिश नहीं हुई है और बारिश की वजह से जो है अभी से स्रोत हमारे अधिकतर स्रोत जो है सूख रहे हैं। आगे आने वाले समय में पानी की दिक्कत होगी, इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम पानी के लिए जो है अभी से जो है उसकी चिंता करें और पानी का प्रयोग कम से कम करें।
वहीं कार्यक्रम में पहुंचा मौलियार ग्रुप ने होली के गीत गाए और सभी को ढोल जमाओं के थाप पर झूमने को मजबूर कर दिया। इस दौरान मौलियार ग्रुप ने सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की और कहा कि होली का त्यौहार लोक परंपराओं के साथ मनाने से होली की रौनक दोगुनी हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा अपने आवास पर होली का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी होली के लोक गीतों के साथ सभी ने होली मनाई और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाइयां दी। संवाद 365 के लिए देहरादून से रिपोर्ट। ये हमारी पहाड़ की लोक परंपरा है और हम पहाड़ों में इसी प्रकार से इस होली को मनाते थे, इसीलिए हम अब लोग पलायन हो चुके हैं तो हम यहाँ शहर में रह के भी अपनी होली की जो ये अपनी परंपरा है, जैसे लोग खेलते थे होली उसी अपने लोक परंपरा लोग वाद्यंत्रों के साथ में इस होली को मना रहे हैं। मौलियार एगे जो हमारी संस्था है, जो हम लोगों का युवाओं की जो संस्था हम लोगों ने, और बेसिकली ये हमारे उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं उनकी एक जो समूह है, वो पिछले 8 वर्षों से, 8वां वर्ष है, 2016 से हमने ये मौलियार एगे की होली का पूरे देहरादून में हम लोगों ने इसका आयोजन किया है और लोगों ने इसको बहुत खूब सराहा है, क्योंकि इसमें पहाड़ का कहीं ना कहीं जो होली का रंग है उसको हमने कोशिश की है कि उन गीतों में जो पहाड़ में गाए जाते हैं होली के गीत, पारंपरिक होली के गीत, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ हम उसको उत्तराखंड में यहाँ पर देहरादून में, क्योंकि पहाड़ों में तो अभी भी वो चीज़ें जीवित है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने काम के वजह से बहुत सारे हम लोग उत्तराखंड के जो लोग हैं यहाँ शहरों में बस गए, तो हमारा प्रयास यह है कि जो हमारी संस्कृति रीति रिवाज पहाड़ों में छूट गए उसको हम जीवित अपने यहाँ भी रखें, उसको देहरादून में भी हम लोग उसको जीवित रखें। तो ये प्रयास हम लोगों ने 2016 में स्टार्ट किया था और लोगों ने इसको बहुत ही खूब सराहा है और आप आगे आगे देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लोगों का हम लोगों को कॉल आते हैं कि आप हमारे साथ भी होली के गीत गाएं, हमारे साथ होली मनाएं। तो ये प्रयास मौलियार एगे का है, कहीं ना कहीं हमको सफल होता हुआ दिख रहा है, जो हमारी एक सोच थी कि पहाड़ की जो पारंपरिक होली है उसको हम यहाँ पर अपने देहरादून में हम उसको मनाएं, तो लोगों ने उसको बहुत सराहा है। तो ये हमारी पूरी टीम है जिसमें कि ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड के जो आर्टिस्ट लोग हैं, कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, मतलब हर विधा के लोग इस हमारे इस मौलियार एगे में जुड़े हुए हैं। तो मौलियार का यही प्रयास है कि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति वो वहीं तक सीमित ना रह जाए, जब अगर हम शहरों में आ गए तो यहाँ पर भी वो रहे हम लोग को। मौलियार ग्रुप ये है कि हम अपने जो ये अभी 7-8 वर्षों से हम लगातार ये होली मना रहे हैं और हमें लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है। जैसे आज हम त्रिवेंद्र रावत जी के यहाँ आए हैं तो हर साल आते हैं, जब जब हमें न्योता देते हैं तो हम हर साल आते हैं और अभी भी हमने अभी 5-7 घर और जाना है अभी हमने, और वहाँ से भी अभी कॉल्स आ रही है हमें कि आइए, टाइम हो गया, क्योंकि हम टाइम दे के रखते हैं सबको कितने बजे हम आपके यहाँ पहुँचे कितने बजे, तो सभी लोग वेट करते हैं हमारा और बहुत अच्छे से हमारा स्वागत भी करते हैं जब हम घर घर में जाते हैं। और इसमें सभी हम आर्टिस्ट हैं जितने भी हैं, सब कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर्स है, कोई डांसर्स है, तो सभी हम लोग इसमें इकट्ठा हो गए होली मनाते हैं।